Okay, so in this lecture, we will study the plant breeding for disease resistance. तो previous lecture में हमने hybridization technique देखी और कुछ examples देखे. और जो example हमने देखे वो example थे high yielding varieties के. Rice varieties थे, कुछ wheat के variety, सोनालिका, कल्याण सोना, और rice के अंदर जया, पद्मा, रत्ना high yielding थे. और शुगर केन की वैराइटीज़ देखें, कोयम्बटूर इंस्टीट्यूट में डेवलप होने वाले 419 इस तरह के जो नंबर्स थे नाम के साथ में. और फिर मिलेट्स को देखा, तो ये सब हाई यील्डिंग वैराइटीज़ थे और इनको डेवलप किया गया है बाय हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक. अब हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के ही थ्रू हाई यील्डिंग वैराइटीज़ के बाद में कुछ डिजीज़ रेजिस्टेंस प्लांट भी डेवलप किए गए हैं. तो पहले हम कुछ डिजीज़ रेजिस्टेंस प्लांट से पहले, वैराइटीज से पहले हम डिजीजेस देखते हैं कि प्लांट्स को कौन कौन से कॉमन डिजीजेस होते हैं. तो यहाँ एक टेबल है, इस तरह के टेबल और भी आगे हैं, ये टेबल्स भी आपको सब याद करने वाले ही हैं. तो फंगल डिजीज़ में ज़्यादा करके वीट के अंदर एक डिजीज़ होती है जिसको कहते हैं ब्राउन रस्ट डिजीज़. तो इसमें क्या होता है, इसमें जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर ब्राउनिश पैच आ जाते हैं और जो क्रॉप जहाँ से हम वीट का ग्रेन ऑब्टेन करते हैं, जो इन्फ्लोरिसेंस होती है उसको, उसका ईयर बोलते हैं इन्फ्लोरिसेंस को वीट का, उसके ऊपर जो है वो रस्टिंग हो जाती है. रस्टिंग आपको समझता होगा जैसे आयरन के ऊपर रस्टिंग होती है, बस उसी तरह के ऐसे ब्राउनिश कलर का रस्ट आ जाता है. तो ये एक फंगल डिजीज़ है. तो स्मट फंगस की वजह से ये होता है, कॉमन स्मट फंगस. तो रस्टिंग है. फिर शुगर केन के ऊपर रेड रॉट डिजीज़ आ जाती है. बीच में शुगर केन जो होता है, जैसे सपोज़ कर लो कि अपना ये शुगर केन का एक स्टेम है, तो ये स्टेम पर यहाँ पर ऐसे बीच बीच में जो है वो नोड्स रहते हैं. तो ये नोड्स के यहाँ पर साइड साइड में यहाँ पर ना ऐसे रेड रेड कलर के ऐसे इस तरह के पैच आ जाते हैं और यहाँ से जो है वो अल्कोहलिक स्मेल आती है और ये इतना पार्ट जो है बहुत सॉफ्ट हो जाता है. तो यहाँ पे शुगर यील्ड जो है इसकी वजह से कम हो जाती है. तो ये प्रॉब्लम जो होती है इसको रेड रॉट डिजीज़ कहते हैं शुगर केन की. ऐसे ही पोटैटो के अंदर एक डिजीज़ होती है, उसको कहते हैं लेट ब्लाइट डिजीज़. तो ये ब्लाइट डिजीज़ के अंदर क्या होता है, इसमें पोटैटो का जो ट्यूबर होता है, मतलब जो पोटैटो होता है उसके अंदर ब्लैक कलर का पैच आ जाता है या उसकी लीफ जो है वो ब्लैकिश हो जाते हैं या बहुत श्रिंक हो जाते हैं, तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. तो ये डिजीज़ कॉमनली देखने को मिलती है. ऐसे ही बैक्टीरिया की वजह से एक डिजीज़ आती है, रॉट डिजीज़ कहते हैं, क्रूसीफर्स के अंदर. तो फैमिली क्रूसीफेरी के अंदर, क्रूसीफर्स के अंदर ये डिजीज़ देखने को मिलती है. क्रूसीफर्स अपने ये मस्टर्ड फैमिली जो होती है रेडिश इसके अंदर आ जाती है, तो इसको क्रूसीफेरी फैमिली कहते हैं. इसके अंदर ब्लैक रॉट डिजीज़ देखी जाती है. वायरसेस की वजह से डिजीज़ होती है मोज़ेक डिजीज़. मोज़ेक डिजीज़ के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल कंटेंट कम हो जाता है लीफ का. तो लीफ जो होते हैं उनका क्लोरोफिल कंटेंट रिड्यूस हो जाता है, पैच आ जाते हैं येलो कलर के या के ऑरेंज कलर के पैचेस आ जाते हैं लीफ के ऊपर. तो इसको कहा जाता है मोज़ेक डिजीज़, टोबैको मोज़ेक डिजीज़. तो टोबैको मोज़ेक वायरस आपको याद होगा, पहला वायरस जो डिस्कवर होने वाला था, तो मोज़ेक डिजीज़ कॉज होती है. तो ये अलग अलग डिजीज़ेस हैं. अब प्लांट ब्रीडिंग का एक ऑब्जेक्टिव प्रोडक्टिविटी बढ़ाना तो है ही, लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ इसका एक ऑब्जेक्टिव है प्लांट्स के अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंस एबिलिटी डेवलप करना. तो इसके लिए क्या करते हैं, जो वाइल्ड प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट जिनके अंदर नेचुरली डिजीज़ रेजिस्टेंस है, उनके साथ में हम जो सीड्स हैं उनको ग्रो करने के बाद में उनको हाइब्रिडाइज करते हैं, उनको क्रॉसिंग करते हैं. तो इस टेक्निक को यूज़ करके जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की थी, कुछ वराइटीज़ डेवलप की गई हैं, उनके नाम यहाँ टेबल में हैं. जैसे वीट के लिए वैरायटी है हिमग्री. अब देखो ये दूसरी वैरायटी आ गई हिमगिरी, इसके पहले हमने क्या देखा था, सोनालिका और कल्याण सोना. तो सोनालिका और कल्याण सोना भी वीट है और हिमगिरी भी जो है वो वीट वैरायटी है, बट फीचर्स अलग अलग हैं. सोनालिका और कल्याण सोना जो है वो हाई यील्डिंग है, उसकी यील्ड ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है. और हिमगिरी क्या है, हिमगिरी जो है वो डिजीज़ रेजिस्टेंस है. कौन सी डिजीज़, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट और हील बंट, ये तीन डिजीजेस हैं, इनसे प्रोटेक्टेड है हिमगिरी नाम का वीट. तो आपको क्या याद रखना है, वीट की वैरायटी का नाम हिमगिरी और वो कौन सी डिजीज से प्रोटेक्टेड है. फिर ब्रासिका जिसको मस्टर्ड कहते हैं, मस्टर्ड कॉमन लैंग्वेज इसको राई कहा जाता है, राई का जो सरसों का तेल होता है, राई का जो तेल होता है मस्टर्ड,
तो इसकी एक वैरायटी है, इसका नाम है पूसा स्वार्निम। एक पूसा इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, वहाँ पर बहुत सारी हाइब्रिड वैरायटीज़ डेवलप की गई हैं, तो उसके बेसिस पर ये पूसा प्रीफिक्स दिया है पूसा स्वार्निम। और ये प्रोटेक्टेड है वाइट रस्ट डिजीज़ से, फंगल डिजीज़ है। कॉलीफ्लावर, उसकी एक वैरायटी है पूसा शुभ्रा, और ये प्रोटेक्टेड है ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट से। कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट में क्या होता है, लीव्स जो होते हैं उनके मार्जिन्स कर्ल हो जाते हैं, अंदर की तरफ टर्न हो जाते हैं, तो फोटोसिंथेटिक रेट कम हो जाती है, और रॉट होना यानी उसके ऊपर ब्लैक कलर के पैच आ जाना, तो ये रॉटिंग हो जाती है। डिजीज़ में क्या होता है आप वो उसकी ज़रूरत नहीं है हमको, हमको सिर्फ डिजीज़ का नाम है और उससे जो प्रोटेक्टेड या इम्यून जो वैरायटी है उसका नाम याद रखना है, और वो कौन से क्रॉप की वैरायटी है वो याद रखना है बस। ऐसे ही चिल्ली वैरायटी है पूसा सदाबहार, चिल्ली मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस और लीफ कर्ल, ये इससे अपने आप को प्रोटेक्टेड है। तो ये एक टेक्निक, और उस टेक्निक के बेसिस पर दो फीचर्स रखने वाले प्लांट्स हमने पढ़े। टेक्निक है हाइब्रिडाइजेशन, और फीचर्स हैं प्लांट के अंदर हाई प्रोडक्टिविटी और डिजीज़ रेजिस्टेंस, ये हमने देखा। अब हम नेक्स्ट टेक्निक देखेंगे। जैसे हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा था वो एक टेक्निक थी, नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है म्यूटेशन टेक्निक, और इस तरह से जो ब्रीडिंग करते हैं उसको कहते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग जो है, पहले म्यूटेशन की डेफिनेशन पता भी होगी बहुत सारे लोगों को। म्यूटेशन जो होता है, इट इज़ द सडन हेरिटेबल चेंज इन द जीनोटाइप, जो कि नेचुरली भी हो सकता है या आर्टिफिशियली उसको इंड्यूस भी किया जा सकता है। तो ऐसे जितने एजेंट्स हैं जो म्यूटेशन को इंड्यूस करने वाले एजेंट्स हैं, इनको म्यूटेजन्स कहा जाता है, दे आर कॉल्ड म्यूटेजन्स, म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स। सो म्यूटेजन्स जो हैं ये नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, केमिकल म्यूटेजन जिनको कहेंगे। तो नेचुरल म्यूटेशंस जो हैं ये फिजिकल म्यूटेजन होते हैं, जैसे इसके अंदर टेम्परेचर म्यूटेशन कॉज कर सकता है, मतलब जीन के अंदर डीएनए के अंदर चेंज ला सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड कभी कभी म्यूटेजन की तरह वर्क करता है। एक्सरेज बहुत फेवरेबल म्यूटेजन है, यूवी रेज हैं इसके अंदर। ऐसे ही केमिकल म्यूटेजन्स में जो है नाइट्रस एसिड है, ईएमएस इथाइल मिथाइल सल्फोनेट है, मस्टर्ड गैस है। मस्टर्ड गैस जो होती है वो एक तरह की सल्फर डाइऑक्साइड गैस की तरह ही होती है, सल्फर डिराइव्ड होती है ये गैस, तो उसको मस्टर्ड गैस कहते हैं। कॉल्चिसिन है, कॉल्चिसिन एक तरह का अल्कलॉइड होता है, इसको एक प्लांट से ऑब्टेन करते हैं जिसको कॉल्चिसिकम ऑटमनेल कहा जाता है। तो ये क्या करता है, ये माइटोसिस होने से रोकता है, मतलब जो माइटोटिक स्पिंडल्स बनते हैं ना, उन माइटोटिक स्पिंडल्स को फॉर्म होने से रोकता है। तो उसकी वजह से ये प्लॉयडी इंड्यूस करता है, मतलब क्रोमोसोम का सेट बढ़ा देता है, तो क्रोमोसोम का नंबर बढ़ा देता है और क्रोमोसोम और जीन के अंदर म्यूटेशन लेके आता है। तो ये सारे जो है वो म्यूटेजन्स हैं। फिर कुछ सीडलिंग्स हैं जिनको प्रोड्यूस किया गया है, सीड्स हैं इरेडिएटेड करके, मतलब रेडिएशन के थ्रू, जैसे CO60 कोबाल्ट 60, इसको यूवी लाइट या यूवी बल्ब से एक्सपोज करके जो है वो प्रोड्यूस किया गया है। एक्सरे मशीन्स के थ्रू एक्सपोज करके जो है म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं। तो ये सब हैं। अब जो म्यूटेजन्स होते हैं ये म्यूटेशन कॉज करते हैं या कि क्रोमोसोमल एबेरेशन कॉज करते हैं। एबेरेशन का मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्रोमोसोम के अंदर, क्रोमोसोम का कोई पार्ट डिलीट हो जाए या कोई क्रोमोसोम का पार्ट किसी दूसरे के ऊपर जाकर के ऐड हो जाए, तो ये सब एबेरेशंस होते हैं। ये सब जो है वो म्यूटेशन के अंडर में ही आते हैं, क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाना, क्रोमोसोम का पार्ट मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाना, या जीन के अंदर चेंज हो जाना, यानी पर्टिकुलर जीन का नेचर चेंज होना, ये सारे जो है वो म्यूटेशन के टाइप हैं। जेनेटिक्स वाले चैप्टर में हमको म्यूटेशन के टाइप्स स्टडी भी करना है, तो जेनेटिक्स के चैप्टर में उसको डिटेल में हम लोग देख लेंगे। तो ऐसे ही हाई यील्डिंग एक वैरायटी प्रोड्यूस की गई है, उसका नाम है जगन्नाथ, यहाँ लिखा हुआ है नाम, आप देख सकते हैं लास्ट में। तो ये जो वैरायटी है ये म्यूटेशन से प्रोड्यूस की गई है, और ये राइस की वैरायटी है। तो जगन्नाथ नाम का एक राइस वैरायटी प्रोड्यूस किया गया है। और ऐसे ही NP386 ये वीट की एक वैरायटी है जो कि म्यूटेशन से प्रोड्यूस की गई है, और ये प्रोटेक्टेड है रस्ट डिजीज़ से, जो अभी हमने पीछे देखा रस्ट डिजीज़, ये उससे प्रोटेक्टेड है। इंदौर 2 ये एक वैरायटी है कॉटन की, और ये प्रोटेक्टेड है कॉटन बॉलवर्म से। फिर रेजिना 2 एक वैरायटी है कैबेज की,
और ये प्रोटेक्टेड है बैक्टीरियल रॉट से। तो ऐसे अलग अलग डिजीजेस से प्रोटेक्टेड वराइटीज़ प्रोड्यूस की गई हैं। टेक्निक कौन सी है? म्यूटेशन टेक्निक। इसके पहले जो टेक्निक थी वो हाइब्रिडाइजेशन थी, ये वाली जो है म्यूटेशन है। तो फिर आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे नाम आते जा रहे हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। एनी हाउ इसको याद रखना है, कई बार इसको बार बार आप रिवाइज करो तो ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो प्लांट ब्रीडिंग है फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट। ये तो अभी हमने डिजीज रेजिस्टेंस देख लिया, अब इंसेक्ट पेस्ट। इंसेक्ट जो होते हैं ये प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी को बहुत कम कर देते हैं। नियर अबाउट 50% तक का जो ईल्ड होती है वो इंसेक्ट खा जाते हैं। अब एक फार्मर ने बहुत मेहनत करके हाइब्रिड सीड्स लगा के सब तरह से इरिगेशन करके फर्टिलाइजर्स डाल करके क्रॉप तो ग्रो कर लिया, लेकिन इंसेक्ट आकर के वो क्रॉप खा जा रहे हैं। आधी क्रॉप या आधे से ज़्यादा क्रॉप तो इंसेक्ट खा जा रहे हैं, तो फिर समझ में आने वाली बात है कि नुकसान बहुत हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ ऐसे हाइब्रिड सीड्स भी बनाए गए हैं जो कि इंसेक्ट पेस्ट से अपने आप को रेजिस्ट करते हैं। यानी आप नेचुरली उनके अंदर ये पावर है कि वो इंसेक्ट को, इंसेक्ट अगर उनके ऊपर बैठेंगे तो उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इस तरह की वैरायटी इंसेक्ट रेजिस्टेंस वैरायटीज़ कहते हैं इनको। सो इंसेक्ट जो होते हैं ये हर्बीवोर्स होते हैं, ज़्यादा करके जो लीव्स होते हैं या सॉफ्ट स्टेम होते हैं उनके सैप के ऊपर फीडिंग करते हैं इंसेक्ट्स जो रहते हैं। तो अगर इंसेक्ट लॉस से हम किसी क्रॉप को बचा लेते हैं तो उससे क्वांटिटी भी इम्प्रूव होती है और क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है क्रॉप की। तो कुछ वेज हैं नीचे दिए हुए हैं, जैसे कुछ नेचुरल फीचर्स हैं जैसे डेवलपमेंट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जैसे कॉटन के अंदर जो हेयरी लीव्स होती हैं, यानी लीव्स हैं, लीव के ऊपर बारीक बारीक हेयर्स हैं। जैसे सपोज़ कर लो जो है ये लीफ है, अब ये लीफ के ऊपर यहाँ पर ऐसे बारीक बारीक जो है ऐसे बहुत बारीक बारीक ऐसे हेयर्स आ गए हैं। तो ये हेयर्स जो आ जाते हैं लीफ के ऊपर, इन हेयर्स को देख करके जो इंसेक्ट होते हैं वो डरते हैं थोड़ा दूर से ही, तो इसके ऊपर बैठते नहीं हैं वो। क्यों नहीं बैठते हैं? क्योंकि कभी ऐसा होता है कि वो इसके ऊपर आके बैठेंगे तो वो इंसेक्ट जो है वो इसी में फंस जाएगा, तो इसके लिए वो अवॉइड करते हैं। तो ये एक नेचुरल फीचर है मॉर्फोलॉजिकल कि इनको जो है वो अटैक नहीं करते। ऐसे ही वीट के अंदर वेक्टर रेजिस्टेंस आई है, जैसिड नाम का एक इंसेक्ट होता है, तो ये जैसिड के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस आई है वीट के अंदर। फिर सॉलिड स्टेम वीट का, जो अगर ऐसे वीट है जिनका स्टेम जो है वो सॉलिड है, उनको ज़्यादा करके जो स्टेम बोरर होते हैं, बोरर इंसेक्ट बोलते हैं ऐसे इंसेक्ट को जो स्टेम के ऊपर बैठ के बोरिंग करते हैं। बोरिंग का मतलब उसमें सुराख करते हैं, होल कर देते हैं, और उसके थ्रू अपने जो प्रोबोसिस होता है वहाँ से, वो बोर से, वो इंसेक्ट से, वो इंसेक्ट अपने प्रोबोसिस से वहाँ से सैप सक करते हैं। तो ठीक स्टेम रहेगा तो बोर नहीं कर पाएंगे, सुराख नहीं कर पाएंगे, तो उसको अवॉइड करेंगे उसके ऊपर बैठना। ये फीचर है। कुछ बायोकेमिकल कैरेक्टर्स हैं जैसे हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन और लो शुगर इन मेज। ये नेचुरली प्रोटेक्टेड होते हैं स्टेम बोरर से, मतलब कि स्टेम बोरर जो होते हैं इनको क्या चाहिए, नाइट्रोजनस मटेरियल चाहिए वहाँ से, तो ये नाइट्रोजनस मटेरियल चाहिए या एसिडिक मटेरियल या के फिर इनको शुगर चाहिए सैप में। तो अब ऑलरेडी सैप में जो है ज़्यादा शुगर है नहीं, एस्पार्टिक एसिड जो है ज़्यादा है, एसिडिक कंटेंट ज़्यादा है, तो अनपैलेटेबल है वो, और नाइट्रोजन कम है तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे सैप का। तो इसके लिए जो इंसेक्ट है वो उसको अवॉइड करते हैं, नेचुरली अवॉइड करते हैं। तो ये कुछ केमिकल फीचर्स हैं। ऐसे ही कॉटन के अंदर जो है नेक्टार लेस वैरायटी, यानी अगर कॉटन के लीफ के अंदर नेक्टार को कम कर दिया जाए तो वो नेचुरली स्मूथ लीव्ड हो जाते हैं और वो प्रोटेक्टेड हो जाते हैं अगेंस्ट कॉटन बॉलवर्म्स। तो ये चार नेचुरल फीचर्स बताए गए हैं। अब इनको आर्टिफिशियली भी जो है वो इंड्यूस किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है फॉर द पर्पज़ ऑफ डिजीज़, फॉर द पर्पज़ ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो कुछ यहाँ पर वैरायटीज़ के नाम दिए हुए हैं एज़ यूजुअल, जैसा हमने डिजीज़ रेजिस्टेंस में देखा था ऐसे ही इंसेक्ट रेजिस्टेंस वैरायटीज़ हैं। जैसे ब्रासिका में एक नाम है पूसा गौरो, और ये प्रोटेक्टेड है एफिड से। एफिड एक बहुत कॉमन इंसेक्ट होता है जो ज़्यादा करके लीफ के ऊपर फीड करता है। फ्लैट बीन की दो वैरायटीज़ के नाम है पूसा सेम टू
पूसा सेम थ्री, और ये प्रोटेक्टेड है जैसिड, एफिड और फ्रूट बोरर्स से। ओकरा, ओकरा बोला जाता है लेडी फिंगर को, भिंडी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, भिंडी लेडी फिंगर, तो ये ओकरा जो है ये क्या है, लेडी फिंगर है। इसकी दो वैरायटी है, पूसा साउनी और पूसा ए फोर। ये प्रोटेक्टेड है शूट एंड फ्रूट बोरर से। तो ये हो गए हमारे इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट, ये भी आपको याद रखने हैं वैरायटीज़ के साथ में, क्रॉप के साथ में, और कौन से इंसेक्ट से वो प्रोटेक्टेड है। फिर अगला जो टॉपिक है वो है टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है टिश्यू कल्चर टेक्निक, तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।